नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज फिर से एक नया ब्लॉग लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए। तो फाइनली आज ये जो ब्लॉग आप देख रहे हो ये है बाबा बैद्यनाथ धाम का। रात के टाइम पे मैं यहाँ पे आई थी, शाम के टाइम पे 7 बजे के आसपास। तो इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, दिल्ली से मैं देवघर स्टेशन पहुँची, वहाँ पर जाकर होटल में रुकी और खाना पीना खाया, इतना तक का मैंने दिखाया था। उसके बाद फिर हम लोग शाम को यहाँ पे आए थे। तो ये वाला वो वाला वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने दिखाया नहीं था पूरा। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं बैद्यनाथ धाम का ही आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग देख पा रहे हो कितने सुंदर तरीके से फूलों के माला से सजाया गया है, और शाम का नज़ारा जो है वो अलग होता है, सुबह जाओगे तो अलग होता है। तो मैंने दोनों ही इंजॉय किया था। ये शाम के टाइम पे भी मैं आई थी, वहाँ शाम के टाइम पे यहाँ पे आरती होता है अंदर में, और सुबह के टाइम पे भी पूजा पाठ होता है। सुबह भी आई थी, बट सुबह वाला वीडियो आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी। और शाम वाला आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कितना रश है, कितना भीड़ है, और चारों तरफ कितना सुंदर है, सजावट कितना अच्छा है, और यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। अभी थोड़ी देर के बाद में आप देखना कैसे भीड़ है, अंदर में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, और आके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अभी थोड़ा सा भीड़ इधर में कम है, मैं इधर साइड में हूँ, सामने साइड में आप लोग देख ही पा रहे हो कितना ज़्यादा भीड़ है। और आज है सोमवार भी, तो सोमवार के दिन में यहाँ पे भीड़ थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे आज जो है बारिश भी हुआ था, तो आप लोग नीचे का फर्श जो है देख पा रहे होंगे कि पूरा गीला गीला है, पूरा एकदम गीला हो गया था, क्योंकि सुबह बारिश हुआ था, बारिश के चलते पूरा गीला गीला हो गया। और यहाँ पे पानी वानी, शिव जी का मंदिर है तो थोड़ा सा वैसा रहता है, अगर धूप निकलता तो इतना नहीं रहता, इसी चलते इतना गीला है। और यहाँ पे सब फ़ोटो खींचते रहते हैं, फोटोग्राफर लोग भी आके बोलते रहते फ़ोटो खींचे, तो मैंने भी यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवाया था। यहाँ पे लोग अभी थोड़ी देर बाद में संध्या आरती होगा ना अंदर में, तो जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे संध्या आरती होगा, तो लाइव पूरा लाइव चलता रहता है यहाँ पे। तो लोग भी अपना वीडियो कॉल करके अपने रिश्तेदार को दिखाते हैं, लाइव वीडियो भी बनाते हैं। मैंने भी थोड़ा सा लाइव किया था, देखा होगा आप लोगों ने। और ये है पूजा का सामान, यहाँ से लेके फिर लोग आरती वारती करते हैं बाहर से, जो लोग अंदर जा नहीं पाते हैं बहुत भीड़ में, लोग बाहर से आरती वारती करते हैं। तो मैं भी यहाँ पे 2 दिया जला दी हूँ, एक शिव जी को दिखाते हैं, एक माता पार्वती को। तो यहाँ पे 2 दिया मैंने ले लिया शाम के टाइम पे, और अगरबत्ती ले लिया। थोड़ा सा मैं भी आरती वारती दिखा देती हूँ, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है पूजा पाठ के बारे में, तो मैं अपने श्रद्धा के अनुसार जैसे समझ में आता है मैं वैसे ही करती हूँ। ये माता पार्वती वाला मंदिर है, तो अभी आप देख पा रहे हो कि अभी जो मंदिर का अंदर जो ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है, वहाँ पे जाने का जो दरवाज़ा है वो खुल चुका है, एंट्री खुल चुकी है। तो लोग किस तरीके से भाग रहे हैं, दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, नारा लगाते लगाते, तो उनके पीछे पीछे फिर मैं भी जा रही थी। और जब अंदर पहुँचेंगे तब आप देखना क्या हालत होती है, कितना भीड़ होता है, इस तरीके से घूम घूम के जाना पड़ता है। अभी तो ठंडी है बोल के फिर भी इतना पता नहीं चलता है, गर्मी में जो लोग आएंगे उनका क्या हाल होगा। तो हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं मंदिर के अंदर।
तो फाइनली जो है मंदिर के अंदर में पहुंच गई हूँ और आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे ऐसे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, कैमरा लगा है, सब लोग मना करते बनाने को, लेकिन सब लोग बना रहे थे बोल के फिर मैंने भी बना लिया था। अगर मैं वीडियो नहीं बनाती तो मेरे को तो दर्शन ही नहीं होता, ये जो शिवलिंग है इसका इनका दर्शन ही नहीं होता, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो इतना भीड़ होता है। पांडव लोग जो होते हैं पूरा घेर के बैठे रहते हैं अंदर में, सब खाली पैसा मांगते हैं, अगर पैसा ऐसा आप दोगे तो आपको थोड़ा सा दर्शन करवाएगा, और वो भी छोटा मोटा 100-200 रुपये में काम नहीं बनता है, यहाँ पे हज़ार हज़ार का खेल है, तो फिर आपका दर्शन करवाएगा थोड़ा सा, नहीं तो आप कुछ देख नहीं पाओगे। तो मैंने वीडियो बना लिया था तो उसी से मैंने भगवान जी का दर्शन कर लिया था। तो ऐसे है, तो जो भी है मैं अंदर से बाहर आ गई हूँ और अंदर में जो भी हो रहा है वहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पे ऐसे लाइव चलते रहता है।